चलिए, अभी आप सब ने मेरे ख्याल से पाई का अकाउंट तो बना लिया होगा। अब बेसिक सवाल आपके मन में कुछ होंगे कि आखिरकार इस अकाउंट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस है तो यहाँ पे ये जो फिगर दिखता है आपको, ये रहेगा आपने अभी तक टोटल कितने पाई कॉइन अर्न कर लिए हैं या फिर माइन कर लिए हैं। ये जो फिगर है ये चेंज होती रहेगी डिपेंडिंग ऑन आपका करंटली माइनिंग का रेट क्या है। जैसे कि जो न्यू यूजर रहेंगे उनका करंटली माइनिंग रेट रहेगा 0.25, सो उसी के हिसाब से आपका जो माइनिंग है वो होता रहेगा। ये हो गया आपका करंट माइनिंग रेट। चैट बॉक्स में आप करंटली चैट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो किसी यूजर के साथ चैट करने की। तो वन बाय वन ये आपकी टीम रहेगी, यानी कि आपने अभी तक कितने लोगों को इन्वाइट किया है उसके बारे में बताया जाएगा। वन बाय वन का मतलब रहेगा अभी कितने लोग आपने इनवाइट किए हैं और उसमें से कितने लोग अभी एक्टिव हैं। ये तीन लाइन दिख रही हैं, इन तीन लाइन का मतलब है यहाँ से आप मेनू बार को ओपन कर सकते हैं, हम बारी बारी सभी चीज को देखेंगे। अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो जैसे ही आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये अलग तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, एक नई विंडो ओपन होगी। पाइनियर यानी कि आपका करंटली माइनिंग रेट बाय डिफॉल्ट कितना चल रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 0.25 पर आर। साथ ही साथ टाइमिंग दिखाई देगी कि कितनी देर के बाद आपको वापस से माइनिंग स्टार्ट करनी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था 24 घंटे के बाद अपने आप माइनिंग जो है वो क्लोज हो जाती है, आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीमाइनिंग करनी पड़ती है उस आइकन पे क्लिक करके। कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर आप कंटिन्यू 3 दिन तक इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं या 3 दिन तक माइनिंग करते हैं तो आप कॉन्ट्रीब्यूटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटर में आपने जितने भी अपने इन्विटेशंस भेजे हैं या जितने भी लोगों को रेफर किया है उसके हिसाब से आपको एडिशनल माइनिंग का जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तीसरी चीज आती है एम्बेसिडर, इसके अंदर आपने कितने लोगों को इनवाइट किया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रेट मिलेगा। जैसे कि ये नया लॉगिन है और बाय डिफॉल्ट आपने मेरा अगर रेफरेंस यूज किया है या इनविटेशन कोड यूज किया है तो मैं एक एक्टिव मेंबर आपके में दिखाई दूंगा, उसके हिसाब से आपको 0.05 पाई पर आर मिलेगा। आप अगर 10 लोगों को इसमें इनवाइट कर देंगे तो 0.5 पाई पर आर हो जाएगा, जिसके हिसाब से आप लगभग 12 कॉइंस एक दिन में आराम से अर्न कर सकते हैं और ये चीज एडिशनल रहेगी। तो इन दोनों को मिला के या इन तीनों का जो भी कुछ सम रहेगा, ये कॉन्ट्रीब्यूटर आपको 3 दिन के बाद दिखाई देगा, तो इन तीनों का जो भी कुछ सम होता है वो आपको यहाँ पे टोटल आपका माइनिंग रेट, अगर आपने यहाँ पे 10 लोगों को इनवाइट कर लिया है तो आपका यहाँ पे जो माइनिंग रेट है वो लगभग 0.7 के आसपास हो जाएगा, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो उसी हिसाब से लगभग 1 पाई पर आर के हिसाब तक जा सकता है, यानी कि आप दिन के लगभग 24 पाई एक दिन में आराम से कमा सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा और नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक्टिव और इनएक्टिव कितने आपके मेंबर हैं। अगर आपके जो इनएक्टिव मेंबर है उनको आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो पिन इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे, उनके पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपको वापस से माइनिंग स्टार्ट करनी है। उसी तरीके से अगर आप और लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। नोट का एक ऑप्शन है जो अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, ये आने वाले दिनों में लॉन्च होगा, और जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं सिर्फ उनके लिए ये प्राइमरी रहेगा। कॉन्ट्रीब्यूटर आप दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो 3 दिन कंटिन्यू आप अगर माइनिंग करते हैं उससे, और सक्सेसफुल कॉन्ट्रीब्यूटर तब बनेंगे जब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ से वेरीफाई करेंगे, उसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा मैंने बताया था ऊपर की यहाँ की 3 लाइनों पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक मेनू बार ओपन हो जाएगा जिसमें होम अर्न पाई जो भी डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ थी मोटा मोटी वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। इनकी टीम कौन सी है या आपकी अर्निंग टीम कौन सी है, चैट करना चाहते हैं, रोल्स क्या है, नोट जो मैंने बताया बाद में आना है वाला है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जैसे लोगों के मन में होते हैं, क्या ये लीगल है, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, हमको इसमें से कमाई कब शुरू होगी, या फिर आखिरकार ये पाई है क्या, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको उसके बाद एक जो चीज करनी है वो प्रोफाइल में जाकर के अपना नंबर जो है वो वेरीफाई करना होगा। तो आप देख सकते हैं आप जब
प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, जो आपने इनविटेशन कोड बनाया था या अपना यूजर नेम बनाया था वो यहाँ पे रहेगा। ये जो लिंक है आपको शेयर करनी रहती है। सेटिंग्स के अंदर आके आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक होगा फोन वेरिफिकेशन, एक होगा फेसबुक वेरिफिकेशन। फेसबुक वेरिफिकेशन आप अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन फोन वेरिफिकेशन करना आपके लिए जरूरी रहेगा, तभी आपको आगे चल के कॉइन आपके अकाउंट के अंदर लिंक हो पाएंगे। यहाँ पे आप अगर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक दूसरा विंडो ओपन होगा। इसमें दो तरीके से वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर आप यूएस और कनाडा में नहीं रहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, आपके लिए सिर्फ सेकंड ऑप्शन रहता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दो कंट्रीज आएंगी, एक होगा यूएसए, दूसरा होगा यूनाइटेड किंगडम। आपको दोनों में से कोई भी कंट्री सेलेक्ट करनी है और उसके बाद स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, जो आपको सिर्फ आपका जो मैसेज वाला ऐप होता है वो ओपन करने के लिए बोलेगा। तो आप ओपन एसएमएस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं अगर आप मैनुअल प्रोसेस से नहीं जाना चाहते। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा आप किस तरीके के मैसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नॉर्मल मैसेजिंग या हैंगआउट में अगर आपका मोबाइल रजिस्टर है तो आप वहां से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेजिंग पे ओपन करेंगे आपके सामने जो बाय डिफॉल्ट मैसेज का ऐप रहता है वो ओपन हो जाएगा। आपको कई बार नेटवर्क फेलियर की वजह से आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो फेल हो सकता है, तो आपको मे बी 2-3 दिन कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये जो मैसेज है वो सक्सेसफुली सेंड होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर एक या दो बार में आपके मैसेज सक्सेसफुली सेंड नहीं हो रहे हैं या फिर आपके मैसेजेस फेल हो रहे हैं। आपको सिंपली जो कोड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आया है नंबर अपने आप आ जाएगा, आपको सिर्फ सेंड की बटन दबानी है। सेंड की बटन दबाते ही आपका मैसेज जो है इनके पास पहुंच जाएगा और आपका जो नंबर है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप कंट्रीब्यूटर के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। तो बस ये कुछ एक चीजें ही हैं इस ऐप में जो आपको पता होनी चाहिए। आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि हर 24 आवर्स के बाद आकर के आपको माइनिंग स्टार्ट करनी है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है ताकि आपकी जो माइनिंग रेट है करंटली जैसा मैंने दिखाया है सिंपली 1 यूजर के हिसाब से 0.25 होती है, और अगर यही आप 10 यूजर कर लेते हैं तो लगभग 12 से 15 या उससे भी ज्यादा आपके पर आवर का माइनिंग रेट हो जाएगा। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आप जितने मेंबर्स को ऐड करेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। FAQ या ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं।